प्यार झूठा सही ओ, प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। हाँ कि बाबा आना तो पड़ेगा तुमको, मुझे मालूम है तुम आओगे, लेकिन प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी और से मिलने के बाद आजा, तू किसी और से मिलने के बाद आजा। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा, सही दुनिया को दिखाने आजा। तू किसी और से मिलने के बाद आजा, तू किसी और मिलने के हमें हमें ना हमें लोग कहें बोले आपसे भी कहते होंगे बोले ऐसा क्या है खाटू में हर बार चले जाते हो। मैं पंजाब से, पंजाब में बाबा का प्रचार अभी 7-8 साल पहले से हुआ पटियाला, और हम हमारे वहाँ ना जागरण ज़्यादा होते हैं माता के, पंजाब जैसे उस साइड में माता के जागरण ज़्यादा होते हैं, हम भी खूब करते, तो लोग हमें अचंबा हो जाते बोले शैली किधर जा रहा है, या कोई भी लोग, हम तो अभी बाबा के साथ जुड़े 5-6-7 साल से, जो और पुराने जुड़े बोले हर महीने जा रहे हैं एकादशी पर या जा रहे हैं ऐसा कर रहे हैं, बोले ऐसा क्या है। हाँ इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं, लोग सोचे कि क्या है यार कमाल है, तुम्हारा ही हो गया हमारा कुछ नहीं है। हाँ तो दुनिया वाले कुछ भी कहें, दुनिया वाले कुछ भी कहें बोले बाबा आज आप भी कह देना, अगर दिल से प्यार करते हो बाबा का तो कहना कि बाबा दुनिया वाले कुछ भी बोले तेरे संग प्यार में, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, पड़े चाहे सारा मुझे जग छोड़ना ओ, 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 संग प्यार में नहीं। अच्छा एक बात बताओ, आप में से कोई ऐसा है जिसको कभी बाबा श्याम का सपना आया हो तो जरा हाथ उठा के बताना, जिनको आया हो कभी। आहा आया, जिसके सपने हमें रोज आते रहे दिल बाते रहे, हो जिसके सपने हमें रोज आते रहे दिल बाते रहे, ये बता दो कहीं तुम वही तो नहीं, तुम वही तो नहीं, हो जिसके सपने हमें रोज आते रहे दिल बाते रहे। और ये दो चंद लाइनें एक बार जरा दोनों हाथ उठाना और कहना क्या, खाटू वाले पकड़ो मेरा, खाटू वाले पकड़ो मेरा, मैं भी तेरे चरणों का हूँ दास रे, अरे खाटू वाले पकड़ो। क्या बात है भैया, अभी 2-4 मिनट नाचना नहीं, इसी तरह मस्ती से बजाओ, जरा मिलकर तालियां बजाइए, 1-2-3-4 और अनिल भैया कब से सोच रखा था बाबा को बुलाना है, कब से हो बीती रातें ना जाने बीते दिन कितने, हो बीती रातें ना जाने बीते दिन कितने, आज बैठा करा लो चाहे काम जितने, आज बैठा करा लो चाहे काम जितने, हो बीती रातें ना जाने बीते दिन कितने, हो बीती रातें ना जाने बीते दिन कितने, आज बैठा करा लो चाहे काम जितने, आज बैठा करा लो चाहे काम जितने। सर बाबा बोले इतना बाहर कम नहीं, एक और उठा ले जी जी आराम से फाड़ ना दियो, मम्मी खुश हो जाएगी
जरा सुनना कहना नैना मिला के मोसे नैना मिला के नैना मिला के मोसे नैना मिला नैना मिला के मोसे नैना मिला के लाज शर्म सब छीनी लाज शर्म सब छीनी लाज शर्म सब छीनी लाज शर्म सब छीनी दो मिनट वाली बात नहीं है एक नगर में वो मजा अच्छा जरा तालियां बजाओ भैया एक मिनट की बात सुनाऊंगा सिर्फ एक मिनट की मैं नहीं कहूंगा ताली बजाना अगर बात अच्छी लगे फिर बजाना जरा आइए भैया एक बार बजाइए 1 2 3 4 सागर दिव्यन चैनल के माध्यम से जो लोग सुनेंगे और जो यहां सुन रहे हैं जरा सुनने ध्यान से गागर में सागर बहुत बड़ी बात को छोटी सी करके पेश कर रहा हूं सबका ध्यान चाहूंगा जरा गौर से सुनेंगे जी 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 हमारे बीच में आदरणीय श्री श्याम सिंह जी चौहान पधार रहे हैं एक बार जोरदार तालियां बजा करके स्वागत कीजिए खाटू से हमारे बीच में यूं मानिए कि बाबा ने स्वयं आशीर्वाद भेजा है इनके हाथों हाँ जरूर सुनाऊंगा भैया जरूर सुनाऊंगा आइएगा मैं एक ही बात कहूँ भैया कहे बोले 9 बजे हमने आरती करनी है अभी मेरे को भैया बोल के कहे कि बेटियों वाली लाइनें भी आप जरूर कहें बेटियों के मैं सुनाऊंगा आपको अगर 9 के 9:15 भी बज गए ना हालांकि मेरा अंबाला में जागरण है वरुण भैया चलेंगे इकट्ठे मेरा इसके बाद मगर 9 के 9:15 भी बज गए ना अगर तो आप कहें 9 बजे भूख लगी हाँ तो भरा एक फर्क रह जाएगा अगर आपको भोजन की भूख ना लगे तो कहते हैं तन रोगी है लेकिन अगर आपको भजन की भूख ना लगे तो फिर मन भी रोगी है इसलिए आइए हमारे बीच में आदरणीय श्री श्याम सिंह जी चौहान एक बार फिर से जोरदार तालियां हो जाए खाटू से पधारे हैं आशीर्वाद देने के लिए भैया एक मिनट बजा तो फिर सुनाता हूँ जरा 1 2 3 4 गागर में सागर 2 मिनट की बात है सुनना ताली मत बजाना अगर बात अच्छी लगे तो मैं नहीं कहूंगा आप खुद बजाएंगे पहले पूरी बात को सुनेंगे जितने वक्त खड़े हैं जितने वक्त बैठे हैं जरा गौर करेंगे क्या सुना रहा हूं एक नगर में एक शहनशाह ऐसा था आली का एक नगर में एक शहनशाह एक राजा हुआ जिसका शौक था हर रोज नए फूल मंगवाता उसे बिस्तर पर सजवाता और उस पर सोया करता था गौर करें एक नगर में एक शहनशाह ऐसा था आली का नित नए फूलों की सेज पर सोता था वो शहनशाह एक दासी दासी माने नौकरानी एक दासी उस राजा का बिस्तर सजाया करती थी नितने फूलों से उसके बिस्तर को बनाया करती थी मगर हर रोज की तरह वो दासी राजा का बिस्तर सजाने को गई सजाती सजाती बिस्तरा थक गई गलती से वही सो गई सुनना गलती से वही सो गई आया राजा
राजा ने देखा, हुआ हैरान कि मेरे बिस्तर पर एक नौकरानी सो रही है। आया राजा, राजा ने देखा हुआ हैरान, उठाया हंटर इतनी लगाई मार कि तन से उतार दी दासी की सारी खाल। सुनना, तन से उतार दी दासी की सारी खाल, मगर जितनी मार पड़ रही, जितनी मार पड़ रही वो दासी उतना ही हंसती जा रही। पड़ पड़ के मार ना दिल में खौफ खा रही। बोले राजा ने कहा, मैं तुझे मार रहा हूं, तू हंस रही है, क्या बात तू हंस रही है? दासी बोली, राजा सुन मुझे हंसी क्यों आ रही है, सुनेंगे। एक पल इस बिस्तर पे सोई, बोले राजा मैं तुझसे मांगती हूं, तू उससे मांगता है, तू मुझे दंड देता है, वो तुझे दंड देता है, और सुन मुझे हंसी क्यों आ गई। एक पल इस बिस्तर पे सोई, तूने मेरा ये कर दिया हाल, तू रोज इस बिस्तर पे सोता है, वो क्या करेगा तेरा हाल। दासी की बात राजा के दिल में कर गई असर, सुन के दासी की बात चिंता बढ़ गई भीतर, राजा का अश्क धारा बनकर बहने लगा, होकर बाबा का दीवाना वो भी यही कहने लगा। क्या कहने लगा? जिस पे विश्वास है वो मेरे श्याम है, जिस पे विश्वास है वो, जिस पे विश्वास है वो मेरे श्याम है, जिस पे विश्वास है वो मेरे श्याम है। मेरे साथ हूँ तू मेरे साथ है, तेरे साथ हूँ तू मेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ तू मेरे साथ है, तेरे साथ हूँ तू मेरे साथ है। और आखिरी बात भजन की कि बाबा और कुछ नहीं मांग रहे, करते करते तेरी चाकरी मेरे शाम, करते करते तेरी चाकरी मेरे शाम। कौन कौन चाहता है जितनी जिंदगी बची है बाबा के नाम लग जाए, कौन कौन चाहता है दिल से बताना। करते करते तेरी चाकरी मेरे शाम, करते करते तेरी चाकरी मेरे शाम, मेरे बाकी के दिन भी गुजर जाएंगे, मेरे बाकी के दिन भी गुजर जाएंगे, मेरे बाकी के दिन भी गुजर जाएंगे, गुजर जाएंगे। हम पे कर दो दया, हम पे कर दो दया, हो हम पे कर दो दया, कर दो दया खाटू वाले जरा, हम पे कर दो दया खाटू वाले जरा, होगा तेरा इशारा तो तर जाएंगे, इशारा तो तर जाएंगे, तेरा इशारा तो तर जाएंगे, इशारा तो तर जाएंगे। बोलिए खाटू नरेश की, बोलिए श्याम प्यारे की जय। भैया हाँ जी, हाँ जी, जी स्वागत। आदरणीय श्याम सिंह चौहान जी हमारे बीच में पधारे हैं और उनकी तरफ से एक हाजिरी वो लगाने के लिए बिल्कुल हमारे बीच में उनका ये आशीर्वाद हमें अभी मिलेगा।